आपको काफी संक्षेप में अच्छे से सारी बात बताई कि किस तरीके से जालौर सुरई एक तरह से 20 साल में पिछड़ गया है। 20 साल कम नहीं होते, 20 साल सांसद भाजपा का था, कोई ऐसी योजना, कोई भी ऐसा विकास कर रहे सांसद दिल्ली से लेके आया हूँ आपको, तो आप मुझे बता दें। यहाँ रेलगाड़ी की मांग तो बहुत वर्षों में चल रही है, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, 20 साल कम नहीं होते। जिला मुख्यालय जालौर की रेलगाड़ी की मांग आज की तलखी में बसों की, और 20 साल मौका मिला है भाजपा ने, फिर भी कोई रेलगाड़ी का आता पता नहीं। ग्रेनाइट पत्थर उद्योग यहाँ पर रख सकता है अच्छे से, कोई केंद्र की दिल्ली सरकार से ऐसी नीति लेके आते हैं सांसद मौके। मेरा दावा है एक शिलान्यास, एक काम वो लेके आए हैं दिल्ली से अपने सांसद के कर्तव्य को निभाते हुए, तो आप मुझे बताएं। यहाँ पे कृषि मंडी की बात करूँ तो किसकी देन है, अनाज की पैदावार की अच्छी होती है तो मांग थी यहाँ पे कृषि मंडी का हो। कांग्रेस पार्टी की सरकार, कांग्रेस पार्टी ने गहलोत साहब ने कृषि मंडी के आपकी मांग को स्वीकार करते हुए यहाँ पे उसकी घोषणा करी, और साथ ही कांग्रेस की सरकार ने हमेशा तमाम 36 कौमों को साथ लेके कैसे विकास किया जाए, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, चाहे बुजुर्गों की पेंशन हो, ये सब गहलोत साहब और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सोचा। इसलिए सोचा कि आम आदमी गरीब के घर की चौखट तक कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार जब राजस्थान में थी तो हमेशा आप सब लोगों के बारे में सोचा। गहलोत साहब सांसद रहे आप सबके आशीर्वाद से 1980 में जोधपुर से, उन्होंने सबसे पहले जोधपुर में दो ट्रेनें रेलगाड़ी लेके आए। जब 1980 था केवल एक कोई अहमदाबाद में चलती थी, वो भी 18-19 घंटे में दिल्ली पहुँचती थी, दो जगह तो इंजन बदलना पड़ता। गहलोत साहब ने सांसद का कर्तव्य निभाया, सबसे पहले जोधपुर में दो ट्रेनें चालू करी, उड्डयन मंत्री बने इंदिरा जी के साथ, हवाई सफर जोधपुर से उन्होंने चालू कराया। कहने का तात्पर्य है कि मारवाड़ का ये क्षेत्र जोधपुर जालौर से हमेशा गहलोत साहब के मन में बसता है, मगर जालौर से जिस तरह से पिछड़ रहा है ये आप लोगों से कोई छुपा हुआ नहीं, और चाहे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, चाहे अंग्रेजी मीडियम की स्कूलें खोलने की बात हो, बुजुर्गों की पेंशन हो, सारे काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किए हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ, दो दिन बाद नामांकन भर रहा हूँ आप सबके आशीर्वाद से, आप लोग अपना आशीर्वाद देने मुझे जिला मुख्यालय में पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और साथ ही 26 अप्रैल को आप लोग अपना आशीर्वाद मुझे दें, ताकि आने वाले वर्षों में जो विकास हो उसमें आप और हम सब मिलके विकास की पटरी से पहिया उतर गया 20 सालों में जालौर सुरई का, उसको पुनः हम लोग आपके आशीर्वाद से आप और हम मिलके जरूर जरूर पूरा करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, और आपके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहूँगा, जालौर सुरई के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा, आप लोग 36 कौमों के साथ लेके चलूँगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप तमाम लोग और मंडल जी के और तमाम ब्लॉक के अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा यहाँ मान सम्मान बढ़ाया, हमारा स्वागत किया माला साफा से, और आप लोग अपना कीमती समय निकाल के चला रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जालौर सिरोही का जो विकास 20 साल में ठप पड़ गया है, सब कुछ यहाँ होते हुए भी कहा जोधपुर पहुँच गया, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े तीन बड़े हाईवे, मगर जालौर सिरोही क्या कारण है ये भाजपा के लोगों से आपको पूछना चाहिए, जिनको 20 साल जनता ने मौका दिया है जालौर सिरोही से, 20 साल का मतलब 2 दशक हो जाता है, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है आप लोग अपना आशीर्वाद रखें, आप और हम सब मिलके जालौर सिरोही के विकास को वापस पटरी पे लाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।